हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्समार्टी क्रिएटर पे। जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज की इस वीडियो हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस थर्ड सेमेस्टर के ISP सब्जेक्ट के 20 VVI क्वेश्चन के बारे में। ये वीडियो स्पेशली आपके डिमांड पे बनाया गया है, क्योंकि इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कोआ और सी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने कॉमेंट किए थे कि सर एक वीडियो ISP पे बनाया जाए, तो ये वीडियो आपके कमेंट पे स्पेशली है। आज की इस वीडियो हम देखेंगे 20 मोस्ट VVI क्वेश्चन ISP का, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पैकेज के 20 मोस्ट VVI क्वेश्चन के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट का हेल्प हो सके, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में मात्र एक दिन बचा हुआ है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि टॉपिक आप यहां पे देख रहे हैं थर्ड सेम ISP VVI क्वेश्चंस, तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहला नंबर, राइट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ MS ऑफिस इन डिटेल, यानी कि MS ऑफिस के अलग अलग एप्लीकेशन जैसे MS वर्ड हो गए, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बेसिक फीचर ऑफ MS वर्ड, यानी MS वर्ड का आपको बेसिक फीचर कौन कौन से है वो आपको लिखना है। हो सकता है MS वर्ड की जगह पे आपको MS एक्सेल भी पूछ दे, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे दे दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट द वेरियस एडवांटेज ऑफ यूजिंग MS वर्ड, यानी MS वर्ड यूज करने के अलग अलग एडवांटेज कौन कौन है वो आपको इसमें लिखना है। तो वर्ड की जगह पे आपको MS एक्सेल भी दे सकता है, तो दोनों चीज इस क्वेश्चन में मैंने दिखा दिया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वेरियस टैब ऑफ MS वर्ड रिवन, MS वर्ड रिवन के अलग अलग टैब के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय वर्ड रैपिंग, वर्ड रैपिंग क्या है, ये वर्ड का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वर्ड रैपिंग क्या है इसमें आपको लिखना है, हाउ इज इट यूजफुल, ये कैसे यूजफुल है इसके बारे में आपको लिखना है। और आगे है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर, यानी वर्ड प्रोसेसर की विशेषताएं क्या है ये आपको इसमें पूछ रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको सिर्फ इतना ही पूछे व्हाट इज मीन बाय वर्ड रैपिंग, ठीक है, या फिर पूरा भी पूछ सकता है। तो अगर शॉर्ट में पूछेगा तो वर्ड रैपिंग, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो ये पूरा क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे। हाउ डू यू क्रिएट चार्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी वर्ड डॉक्यूमेंट में चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे चार्ट की जगह पे आपको पिवट चार्ट भी दे सकता है, तो ये आपको MS वर्ड या MS एक्सेल दोनों में पूछ सकता है। ये जितने भी क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट ए मैक्रो इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में मैक्रो क्रिएट करने का अलग अलग स्टेप क्या है वो आपको इसमें लिखना है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हाउ टू क्रिएट ए टेबल इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में टेबल क्रिएट करने के लिए इसमें कह रहा है। तो हम लोग टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको इसमें लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक जरूर करें। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको। तो इसमें कह रहा है सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट क्या है, एक्सप्लेन हाउ टू एड इन वर्ड डॉक्यूमेंट, इसको वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे एड किया जाता है ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मेल मर्ज, यानी मेल मर्ज क्या है, ये भी आपको MS वर्ड का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार ये पूछा जा चुका है। तो मेल मर्ज क्या है, हाउ टू क्रिएट मेल मर्ज इन MS वर्ड, यानी MS वर्ड में हम मेल मर्ज को कैसे क्रिएट करते हैं ये आपको इसमें बताना है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग MS एक्सेल, यानी MS एक्सेल यूज करने के बेनिफिट क्या क्या है ये आपको इसमें बताना है। अभी तक हम यहाँ पे MS वर्ड के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं MS एक्सेल का। तो ठीक है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था MS एक्सेल का बेनिफिट क्या है, यूज करने का क्या क्या बेनिफिट है ये आपको इसमें लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग इन MS एक्सेल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में भी इसको पूछा जाता है सॉर्टिंग। तो कह रहा है इसमें सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या है MS एक्सेल के, ये आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शन या फॉर्मूला इन MS एक्सेल, यानी हो आपको इसमें दो क्वेश्चन ऐड है, इसमें आपको MS वर्ड का फंक्शन पूछ सकता है अलग अलग, या फिर अलग अलग फॉर्मूला कौन कौन सा है जैसे ऐड का फॉर्मूला होता है ये सब आपको इसमें पूछ सकता है। तो आपको सिर्फ फंक्शन भी पूछ सकता है या फिर आपको फॉर्मूला पूछ सकता है, तो दो क्वेश्चन इसमें ऐड है। हो सकता है आपको डिफरेंट फंक्शन पूछे या फिर डिफरेंट फॉर्मूला पूछे, तो आप लोग दोनों देख के जाएंगे।
अगला क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल एड्रेसिंग इन एमएस एक्सेल। ये भी एमएस एक्सेल का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल एड्रेसिंग। ये आपको एक साल पूछा भी गया है, तो सेल एड्रेसिंग इसमें क्या है उसके कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है एमएस एक्सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, राइट द स्टेप्स फॉर एडिंग हेडर्स एंड फुटर्स, यानी हेडर्स और फुटर ऐड कैसे करते हैं उसके स्टेप के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा वैलिडेशन टूल्स इन एक्सेल। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन टूल्स क्या है उसके अलग अलग फीचर के बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक तो एमएस एक्सेल के थे क्वेश्चन, अब हम लोग पावर पॉइंट का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, किसी साल आपको एमएस एक्सेल में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, किसी साल पावर पॉइंट में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इससे पिछले साल आपको पावर पॉइंट में से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, उससे पहले आपको एक्सेल में से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। हो सकता है इस बार वर्ड में से ज्यादा क्वेश्चन पूछ दे, तो मे भी है, बट आप सारे क्वेश्चन को देख के जाएंगे। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे क्रिएट करते हैं वो आपको इसमें लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू अप्लाई ट्रांजिशन स्लाइड। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रांजिशन स्लाइड हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं पावर पॉइंट में, ये आपको यहाँ पे बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हाउ व्यू स्लाइड इन बेनिफिकल फॉर पावर पॉइंट। कहता है व्यू स्लाइड कैसे मतलब अच्छा है पावर पॉइंट में, ये आपको उसके बेनिफिट के विशेषता के बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन वेरियस व्यू ऑफ ए स्लाइड, यानी कि व्यू स्लाइड कौन कौन अलग अलग है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। इस क्वेश्चन को आपको दूसरे तरीका से भी पूछ सकता है, हाउ स्लाइड लेआउट इज बेनिफिकल फॉर क्रिएटिंग स्लाइड, यानी कि स्लाइड क्रिएट करने में स्लाइड लेआउट कैसे अच्छा है ये आपको इसमें बताना है। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज एनिमेशन इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में एनिमेशन क्या है, एक्सप्लेन वेरियस एनिमेशन इफेक्ट टू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन, यानी प्रेजेंटेशन को अच्छा बनाने के लिए हम अलग अलग इफेक्ट का, अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको इसमें बताना है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, राइट द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ एरियाज ऑफ एमएस पावर पॉइंट, यानी कि एप्लीकेशन एरिया अलग अलग कौन सा है पावर पॉइंट में, ये आपको इसमें बताना है। ये भी क्वेश्चन एक साल पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तो एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये तीनों टॉपिक खत्म हो गए। अब है वायरस, तो वायरस में से तो एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हो सकता है आपको शॉर्ट नोट में पूछे या फिर चार नंबर में पूछे, लेकिन पूछता हर साल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज वायरस, वायरस क्या है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरस, यानी अलग अलग कंप्यूटर वायरस कौन कौन से है वो आपको इसमें लिखना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज एंटीवायरस। इससे पहले हम लोग वायरस के बारे में देखे थे क्वेश्चन में, अब यहाँ पे एंटीवायरस क्या है, एक्सप्लेन हाउ एंटीवायरस इज यूजफुल टू प्रिवेंट एंड इफेक्ट ऑफ वायरसेस, यानी कि एंटीवायरस कैसे यूजफुल है और वो वायरस पे कैसे डिफेक्ट करता है वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का क्या क्या बेनिफिट्स है वो आपको इसमें लिखना है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है, डिस्क्राइब रोल ऑफ एंटीवायरस पैकेज इन कंप्यूटर सिस्टम, यानी कंप्यूटर सिस्टम में एंटीवायरस का क्या रोल है ये आपको इसमें बताना है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हो गए, अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट के। तो चलिए सबसे पहला शॉर्ट नोट जो आपको पूछ सकता है वो है पेज ब्रेक, ठीक है। अगला है हमारा इंड नोट एंड फुट नोट। नेक्स्ट है हमारा वर्कशीट। अगला है सेल एड्रेस एंड सेल रेफरेंस। नेक्स्ट है स्लाइड लेआउट। उसके बाद है हैंड आउट्स। उसके बाद है मास्टर व्यू इन पावर पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट ये है मास्टर व्यू इन पावर पॉइंट। नेक्स्ट है स्लाइड सॉर्टर व्यू। उसके बाद है नेम सब एंटीवायरस पैकेज नेम, यानी कि अलग अलग एंटीवायरस कौन कौन से है उसका नाम लिखना है। फिर है ऑटो फिल या ऑटो सम फीचर इन एक्सेल, दोनों में से एक पूछ सकता है या फिर दोनों आपको पूछ सकता है। ऑटो फिल क्या है, ऑटो सम फीचर क्या है एक्सेल में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टू हेल्प मेन्यू। हेल्प मेन्यू का क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या है ये आपको शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात किए एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड और एंटीवायरस वायरस, इस पांच टॉपिक के बारे में बात किए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। धन्यवाद।